तरह का एक है रिचार्ज का, जिसको खत्म करने के लिए बच्चा रात रात भर जग जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हुसैनी और स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग पे। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं फिलहाल मैं आपको बताऊं तो अभी मैं हूं अपने छत पे, और अभी टाइम हो रहा है 6 शाम का 6 हो रहा है, और उसके बाद हम जाने वाले हैं जिम। तो उससे पहले मैं अभी खा रहा हूँ, देख लो ये है चिकन, बॉयल चिकन है 200 ग्राम, जिसमें मेरे को मिल जाएगा 60 ग्राम प्रोटीन। उसके साथ है प्याज और टमाटर, जो कि भाई बहुत ही ज़रूरी है आपके पचाने की शक्ति को। सबसे अच्छा तरीका है कि आप टमाटर और प्याज ले लो, वो तुरंत पच जाता है। तो सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे जिम। तो तब तक आप ब्लॉग पे बने रहो। दोस्तों मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ पे शाम का जो नज़ारा होता है ना मेरे छत के पास से, वो मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि अभी मेरा फेस पे पड़ रहा है वो स्ट्रीट लाइट जो सामने घर के सामने लगा हुआ है, और बिल्कुल फेस पे ही मार रहा है। और बारिश जो हुआ है ना उसके वजह से तो भाई इतना अच्छा मौसम हो चुका, क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस हो रहा है, और भी बहुत ही मस्त तरीके से। और आपको मैं दिखाता हूँ नीचे का नज़ारा जहाँ मैं अभी हूँ। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो नीचे दिख रहा है आपको, जब पूरा रेडी स्टॉल वगैरह है। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे ये स्टॉल लगे हुए रहते हैं गोलगप्पे के, आप यहाँ पे आओ, विज़िट करो, खाओ, और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं तो नहीं खाता, हाँ कभी कभी खा लेता हूँ भाई, ऐसा थोड़े कि फुली ऑन डाइट में रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी मैं भी खाता हूँ। आप भी आओ यहाँ पर खाओ, देखो यहाँ पर भीड़, और ये जो स्ट्रीट चल रही है सामने यहाँ पर, इस जगह पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके वजह से तो और यहाँ 4 चांद लग जाते हैं इस चौक का। और मैं जहाँ पे रहता हूँ उस इलाके का नाम, उस चौक का नाम है अलकापुरी चौक, पूरा एड्रेस नहीं दूंगा नहीं तो आप घर पहुँच जाओगे। तो चलिए, मेरा तो मैंने ऑलरेडी सारा खा के ख़त्म कर दिया हूँ, और अब निकले हैं। कृष्णा भी आ रहे हैं, अभी तो जस्ट उनका कॉल आया था, उसके बाद सीधा जिम पे मिलते हैं आपको। Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have.
have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious, release bombs and go tick tick boom. You blown me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. आज बहुत दिनों बाद एक भैया मिले हैं, आप देख सकते हैं जिम आते हैं हमेशा रेगुलर है। अच्छा आप क्या बताना चाहते हैं, यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि सभी यूथ मेहनत करके पढ़ाई करें, शरीर को तंदुरुस्त रखे, गलत लाइन में ना जाए, भ्रष्टाचारी को दूर करने में जनता का समाज का सहयोग करें। यही चाहता हूँ, यूथ ही है जो हमारे देश को वर्तमान जगह से आगे तक ले जा सकता है, तो वर्तमान युवा पीढ़ी को ईमानदारी से करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी हो, ईमानदारी को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। और आप ये मैसेज क्या देना चाहिए, ऐसे होता है ना कि बहुत सारे नया स्टूडेंट जैसे भी होता है, न्यूबॉर्न नहीं होता है कि भाई 15 इयर्स का हो गया, 16 इयर्स का हो गया, 17 इयर्स का हो गया, जो एक होता नहीं होता कि भाई अपना कैरियर से भटक जाना है ना, बहुत सारे कुछ गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ सही रास्ते पे चले गए, इसके लिए कुछ होता ना कि क्या बोलते उसको, जो अट्रैक्शन चीज होता है, जो जैसे अपोजिट सेक्स देख लीजिए, अभी का टाइम में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्ट कर लिया, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, अच्छा अपना गोल सेटअप करें, उस चीज़ को अचीव करें, अचीव करें, है ना। इसके लिए चाहिए कि वो अपने माता पिता, गुरुजी और भी जो उस तरह के प्रेरणादायक लोग हैं, उसके समाज में, उसके आस पड़ोस में, उसके सानिध्य में रहें, उसके साथ में रहें और उससे अच्छी चीज़ें सीखें। जो सफलता प्राप्त व्यक्ति हैं उनसे मिले, वो किस राह पे चल के सफलता प्राप्त किए हैं, उससे वो मिले जुले खुद को मोटिवेट करें, आत्मप्रेरणा जगाए। गौतम बुद्ध बोले हैं, अप्पा दीपो भवा, अपना प्रकाश आप पोत लगाइए, अपना प्रकाश। जो भी राह भटक रहा है लड़का, वो समाज से ही देख के राह भटक रहा है, समाज में ही राह भटकने का संकेत उसको मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि बच्चा अपने माता पिता का अनुसरण करे, जब कभी कुछ गलत लग रहा है तो अपने माता पिता के साथ समय दे। माता पिता भी आपके भाग दौड़ में बिजी, मूलभूत सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं, जिस कारण से अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे अभी 1.5 GB, 2.5 GB, 3 GB तरह तरह का पैक है रिचार्ज का, जिसको खत्म करने के लिए बच्चा रात रात भर जग जाता है, और सुबह फिर कुछ काम रहता है, विद्यालय का रहता है या कहीं कुछ वो काम करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, जॉब में या पढ़ाई में सही ऊर्जा नहीं दे पाता। मतलब एक होता है कि मेंटल फोकस अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। हाँ, मेंटल फोकस के लिए उसको जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी जीवनियाँ पढ़नी चाहिए। तमाम चीज़ें हमारे समाज में, पुस्तकालय में, गूगल में उपलब्ध है, उसका वो सहारा। अभी होता है ना कि टेक्नोलॉजी दो तरह का होता है, अगर आप उसे एक बच्चे अच्छे तरीके से यूज करोगे तो आपको एक अच्छे जगह पे लेके जाएगा, अच्छे लेवल तक पहुंचाएगा। और बस आप उसी टेक्नोलॉजी अगर एक गंदे हिसाब से आप यूज करने वाले तो आपको वेस्ट ही करेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपका करियर वेस्ट करेगा। और वैसे मैं आपको बताऊँ तो भैया जो एक टीचर है ना, हाई स्कूल टीचर है ना, प्लस टू के टीचर, और इससे अच्छा क्या हो सकता है, जिम में मोटिवेशन मिलती है पढ़ाई के अलावा। अगर हाँ, आप अगर एक स्टूडेंट हो तो सबसे बेस्ट है कि आप देख लो, भैया भी अपना जॉब भी करते हैं, यहाँ जिम भी वर्कआउट करते हैं। एक होता है ना, हर चीज़ पैसा नहीं होता है, और ये चीज़ें हर चीज़ पैसा नहीं होता, कुछ कुछ वेल्थ भी होता है, हेल्थ भी होता है। हाँ, स्वास्थ्य धन है हिंदी में कहावत है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। हेल्थ इज वेल्थ, पैसा कमाना और शरीर सही नहीं रहेगा तो फायदा क्या। तो वही है, मैं भी अपने जो मेरे एज के यंगस्टर है, जो मेरे वीडियो को देख रहे हो, एक आपको मैसेज मिल जाएगा कि भाई कभी भी आप किसी भी चीज़ को बुराई की तरफ मत जाओ, अपने एम्स को अचीव करो, क्योंकि आपका जो ये टाइम है ना, क्रूशियल टाइम है, बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, कीमती समय है, इधर उधर का वेस्ट मत करो। हर चीज़ टाइम होता है, पढ़ाई पे पढ़ाई करने का टाइम होता है, एंजॉय करने का टाइम होता है, उस टाइम पर आप एंजॉय करो, है ना। और हाँ जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को। और भैया है देखो, इतना अच्छा ज्ञान मिलता है, इनके साथ वर्कआउट करने में थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है, कुछ मोटिवेशन भी मिलता है, और हम लोग के लिए कहीं भी अगर भटक जाते हैं तो इनसे मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच भैया, आप इतना अच्छा हमारे टाइम देने के लिए, है ना। धन्यवाद।